अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वली दार्फिन व्लॉग्स। आज की एक फ़ोटोग्राफी की छोटी सी मतलब एक टिप और क्लास के तौर पे यूँ समझ लें कि हाज़िर हुआ हूँ। और आज आप सोच रहे होंगे कि आज एक बड़ा वाइड एंगल ले लिया इतनी दूर से, कोई आईफोन चेंज तो नहीं कर लिया? नहीं भाई, मैंने ज़रा कुछ टेक्निक लड़ाई है, बाद में बताऊँगा। अच्छा, तो आज की जो वीडियो है वो ऑब्वियसली एक मोबाइल फ़ोन सेल फ़ोन अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, आईफोन XS है। ये इतना महंगा भी नहीं है कि आप लोगों ने किडनियाँ बेचना शुरू कर दी हैं, भाई सस्ता ही है। यूज्ड में ले लो, ना लो डब्बा पैक, थोड़ा सा ज़रा अपना भी ख्याल रखो भाई, एक किडनी पे कब तक जियोगे? बल्कि अब तो वो हिसाब हो गया, किडनी दो भी चली जाए तो आईफोन नहीं आता, तो दिल देना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो अब बात दिल पे आ गई है, किडनी दूर की बात है। खैर, अब चलते हैं आगे। मैंने एक आज जो है सोच विचार के टाइम पे एक ऑब्जेक्ट ढूंढा है, और सनसेट का टाइम अभी दूर है थोड़ा, अभी असर की अजान हुई है और सर्दियों की शाम अभी स्टार्ट होने वाली है। तो चलें ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट समझिएगा कि क्या है। स्काई हमारे पास अभी है, हल्के हल्के बादल हैं और सनलाइट ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही होगी। तो मैं क्या कैप्चर करने लगा हूँ, इसी सेम चीज़ की आपने फ़ोटो भी बनानी है और वीडियो भी बना लेनी है। ठीक है, वीडियो का ड्यूरेशन आपने मिनिमम 5 सेकंड रखना होगा, और बात करेंगे मैक्सिमम ड्यूरेशन की तो वो आप 60 सेकंड रख सकते हैं। ऑडियो देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर आपको लग रहा है बैकग्राउंड पर कोई इतना शोर नहीं है, कोई रद्दी वाला पतीसे वाला कोई नहीं है, तो आप ऑडियो यूज़ करें। जो एम्बियंट साउंड है, जो साउंड आ रहा है, यानी कि ये जैसा भी साउंड है, परिंदों का चहचहाना, ये तो चलेगा, लेकिन अगर पीछे से कोई मौसमी बेचने वाला आ गया, कोई सब्ज़ी बेचने वाला आ गया, तो आपने साउंड को म्यूट कर देना है। ठीक है, ऐसी सूरत में आपने ऐसे साउंड नहीं लेने, वरना आपकी वीडियो रिजेक्ट हो जाती है, दोबारा अपलोड करनी पड़ेगी उसको म्यूट करके। तो ये तो हो गया वीडियो का। बाकी जब स्टिल की बात करेंगे फ़ोटोज़ लेने की, तो फ़ोटोज़ आपने वर्टिकल मोड पे भी लेनी है और लैंडस्केप मोड पे भी लेनी है, यानी कि मोबाइल को ऐसे खड़े रुक करके भी फ़ोटोज़ बनानी है, इस तरह इस रुख पे भी आपने रख के फ़ोटोज़ बनानी है। रूल ऑफ थर्ड्स का भी हम ख्याल रखेंगे। रूल ऑफ थर्ड क्या था, पिछली अनलॉक जो मैंने ताली वाली एक वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने रूल ऑफ थर्ड का भी जिक्र किया था, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी रीसेंट वीडियोज़ में। तो चलते हैं, बातें ज़्यादा हो गई हैं, आज ज़रा काम भी करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ऑब्जेक्ट कोई नया नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा एक, इसको हम किनारी भी कहते हैं, पानी का प्याला भी कहते हैं। तो मैं कैमरा ज़्यादा ऊपर नहीं करूँगा, क्योंकि जो नेबर्स की छतें नज़र आती हैं, फिर लोग बैठे होते हैं इतराज़ करते हैं कि जी हमारी वीडियो बन रही है। ठीक है, खुद बेशक टिकटॉक पे बनाते रहें, खैर हम एहतराम करेंगे। और सन आपको दिख रहा होगा, वो सन है इस, यानी वेस्ट अभी बिल्कुल सेंटर में है, वेस्ट अगर देखा जाए यहाँ पर है बिल्कुल, और मगरिब से ये इस तरफ जा चुका है। सर्दियों में सूरज की जो डायरेक्शन है यहाँ तक चली जाती है तकरीबन, और गर्मियों में ये वेस्ट यहाँ पे है, तो गर्मियों में ये यहाँ तक आ जाती है तकरीबन। यानी मैं बता रहा हूँ कि सूरज की डायरेक्शन बदलती रहती है ग़रूब होने की। ठीक है, तो ये लाहौर में हूँ इस वक्त, तो वेस्ट अभी यहाँ पर है और वेस्ट से सूरज की यहाँ पर डायरेक्शन आ रही है। और जो हमारा ये प्याला पड़ा हुआ है, इसमें पानी भी है, और इसके ऊपर जो सूरज की लाइट पड़ रही है इस वक्त, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये एक तरफ से प्याला मतलब बहुत अच्छा रोशन भी है, और दूसरी तरफ इस पे शेडोज़ भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक मत समझ लें कि इस वक्त हमें प्याले की एक 3D डायमेंशन जो है ना, वो पूरी अच्छी तरह से नज़र आ रही है। अब फ्रेम आपने ऐसा नहीं रखना, यूँ पीछे देख रहे हैं छतें नज़र आना शुरू हो गई हैं, तो वो एक मिनिमल काम नहीं लगेगा, और आप प्याले का ऊपर पानी दिखाने के चक्कर में फ्रेम ख़राब ना कर बैठें। आपने अपना फ्रेम यहाँ पे आके सेट करना है तकरीबन ऐसे। अब आपको रूल ऑफ थर्ड्स भी दिख रहा होगा, या फिर आप यूँ रख लें सेंटर में। ऊपर स्काई आप देख रहे हैं, मैंने क्यों इतना छोड़ा है, वो इसलिए कि मिनिमल थीम देने के लिए, कि मिनिमलिस्ट या मिनिमलिज्म के लिए। ठीक है, या फिर आप यूँ भी रख सकते हैं इसको। एक फ्रेम जो मैंने सोचा था वो ये था कि देखें, एक रूल ऑफ थर्ड्स पे प्याला पड़ा है आज़ाद परिंदों के लिए, और एक रूल ऑफ थर्ड्स पे आपको कैद कबूतरों का एक पिंजरा भी बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कह सकते हैं इसको, ये बन सकता है। ठीक है, तो मैं इस तरह से भी वीडियोस बना के कर सकता हूँ, और इसको हम करीब भी कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस निकल सकती हैं। और सिर्फ वीडियो आपने वर्टिकल मोड पे नहीं बनानी,
वीडियो के लिए लैंडस्केप मोड रखेंगे और जो फोटोज़ होंगी फोटोज़ में आप चाहे वर्टिकल रखें चाहे आप लैंडस्केप रखें। तो अभी मैं कुछ शॉट्स बनाऊंगा और फिर उसके बाद आपसे बात करता हूँ। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट आपने देख लिया होगा कि एक सिंपल सा है, हर घर में हर छत के ऊपर आपको ये बर्तन मिल जाता है, या नहीं मिलता तो आप 150-200 रुपये का ये बाहर से ले लें या कोई और चीज़ इस्तेमाल कर लें, कोई और यूटेंसिल को यूज़ करते हुए आप इस तरह से एक तो चलें। ये होना चाहिए, आपकी एक मैसेज भी है कि आपकी छतों पर ये बर्तन लाजमी होने चाहिए जिसमें पानी और कुछ दाना होना चाहिए। और जो है कॉन्सेप्ट आपके सामने है और ये मैं कोई प्लान करके नहीं आया था, ये जस्ट मैं वैसे ही अभी खड़ा था तो मेरे नज़र पड़ी और जब मैं फ्रेम बनाने लगा फ्रेम की बैक साइड पे मुझे ये ऑलरेडी एक नज़र आ गया, तो एक कॉन्सेप्ट खड़े खड़े बन गया। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप जब कुछ करने लगेंगे ना, आपके सामने 10-20 चीज़ें आ जाएंगी तो आपके पास कॉन्टेंट ख़त्म नहीं होता। मैं अक्सर कहता हूँ एवरीथिंग इज़ कॉन्टेंट एंड इस सेलेबल। ठीक है, हर चीज़ जो आपको आंखों से दिखती है आप उसकी पिक्चर भी बना सकते हैं और उसको बेचा भी जा सकता है। बेचने का एक तरीका होता है, अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से बेचना है, उसको किस तरह से चमकाना है, क्या करना है, तो ये आपके हाथ में है। आपने जो पिक्चर बनाई है उसको लोग देखें किस तरह से देखेंगे। और एक चीज़ और, काफ़ी लोग ये पूछ लेंगे कि सर आज वाइड एंगल शॉट किस तरह से लिया था आपने आईफोन XS के साथ, जबकि उसका फ्रंट कैम तो आपको और बैक कैम भी इतना वाइड नहीं देता। तो उसका मैं आपको राज खोल देता हूँ। ये दिख रहा है आपको, आज मैंने इस ट्राईपॉड को एज अ सेल्फी स्टिक के तौर पे यूज़ किया और अपना जो है हाथ तो इतने लंबे नहीं होते और हमारे तो वैसे कानून के भी हाथ लंबे नहीं हैं, लेकिन ये आपके हाथ लंबे कर सकता है। लेकिन इसके अलावा आपको सेल्फ़ी स्टिक्स भी मिल जाती हैं सस्ते में, 1500-2000 रुपये में। ये क्योंकि मेरे पास DSLR का पड़ा हुआ था तो मैंने कहा आज इसको यूटिलाइज़ करते हैं, ये इसने कब काम आना है। ठीक है, तो ये था मैंने कहा आपको बता दूँ। उम्मीद है ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी और इससे कुछ आपको चलें एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा और इस तरह से करें काम। और शटरस्टॉक इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन कम से कम आपका 12 मेगापिक्सल भी हो तो चल जाता है, बट अच्छी क्वालिटी का कैमरा हो तो, क्योंकि आपकी फ़ोटो किसी ने ख़रीदनी है किसी पर्पज़ के लिए, तो अच्छी फ़ोटो देंगे तो अच्छी सेल होगी, अच्छे डॉलर्स आएंगे, ज़्यादा आएंगे। बुरी फ़ोटो देंगे तो सेल कम होगी और फिर आपको पता ही है फिर आप क्या होगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी आमदनी कम होगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी मेहनत कम लगे और आमदनी ज़्यादा हो, तो इसी चीज़ के ऊपर जो है मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को चैनल शेयर कर दिया करें कि वो भी सीख के कुछ ना कुछ चलें, अपना रोज़गार शुरू कर सकें। तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिख दें वलीद आरफीन, और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वीडियोस ज्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।